छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 23 सितंबर करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री भगत ने कहा कि बीपीएल राशन कार्ड के लिए जो लोग आवेदन जमा नहीं कर पाए हैं या जिनके राशन कार्ड में नवीनीकरण के बाद कोई त्रुटि है तो उन्हें पुराने राशन कार्ड पर ही राशन वितरित किया जाएगा। मंत्री भगत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। 2 अक्टूबर का दिन बहुत खास है क्योंकि इस दिन से छत्तीसगढ़ की पूरी आवाम खाद्य सुरक्षा के दायरे में आ जाएगी। सभी को सस्ती दरों पर चावल मिलेंगे और राज्य सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना, जिसका जिक्र उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले अपने घोषणा पत्र में किया था, उसे लागू करने जा रही है। हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कहते हैं 2 अक्टूबर को लेकर के क्या तैयारी है। उससे पहले आप लोगों ने एपीएल कार्ड के जो राशन कार्ड बने थे उसकी मियाद बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ जहां कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है वहां पर सार्वभौम पीडीएस सिस्टम को लागू करना अपने आप में बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसको कि छत्तीसगढ़ राज्य लागू करने जा रहा है। इसमें अभी तक जो सस्ता चावल का लाभ केवल बीपीएल परिवार एवं प्राथमिकता परिवार को मिलता था, अब ये बढ़ करके इसका क्षेत्र विस्तार होगा और एपीएल परिवार में उन सभी लोग आएंगे। जैसा कि आपने सुना होगा कि चपरासी से लेकर के कलेक्टर तक और पार्षद से लेकर के मुख्यमंत्री तक सबका राशन कार्ड बनेगा और सबके लिए सस्ता राशन उपलब्ध हो सके। राशन कार्ड बनाने की मियाद आप लोगों ने बढ़ा दी है। आज आपने घोषणा की, आपसे कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया था जिसने डिमांड की थी कि एपीएल की जो राशन कार्ड बनाने की तारीख है उसको आगे बढ़ाया जाए, तो क्या ये 2 अक्टूबर से ही लागू होगा या उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा? अभी हमारे पार्षद साथी और महापौर और कांग्रेस के वर्कर्स प्रतिनिधिमंडल आकर के मांग किए हैं कि इतना ज्यादा भीड़ बढ़ गया है, इतने ज्यादा आवेदन हो गए हैं, इसका मियाद आप बढ़ा दीजिए ताकि सभी लोगों का डॉक्यूमेंट्स और फार्म सबमिट हो सके, सभी लोग कार्ड बन सके। सभी का बात सुन करके और मैंने विभाग को निर्देशित किया है कि सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी करें और जो 17 तारीख अंतिम तिथि था इसको बढ़ा करके 23 तारीख कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जो बता रहे थे कि 2 अक्टूबर से सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लागू कर दिया जाएगा और एपीएल कार्ड धारकों की जो समयावधि है जब तक वो कार्ड बना सकते थे 17 से बढ़ा करके उसे आगे और कर दिया गया है ताकि सभी लोग अपना कार्ड बनवा सकें। कैमरामैन रेखराज के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता। डिंडोरी जिला कलेक्ट्रेट में जो